नमस्कार दोस्तों, जीत एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। लाखों विद्यार्थियों को प्रवेश भर्ती और मुख्य परीक्षाओं का इंतजार, देरी होगी उतनी ही नौकरियों, प्रवेश कार्यक्रम और नए सत्र पर होगा असर। परीक्षाओं में देरी का प्रवेश पर पड़ेगा असर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाखों विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को प्रवेश भर्ती और मुख्य परीक्षाओं का इंतजार है। ये परीक्षाएं राजस्थान लोक सेवा आयोग, CBSE, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी है। परीक्षाओं में जितनी देरी होगी उतना ही नौकरियों, प्रवेश कार्यक्रमों और नए सत्र पर असर पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, NTT द्वारा JEE मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई, पहले 5 से 11 अप्रैल को होनी थी। नीट 26 जुलाई को, जो पहले 3 मई को होनी थी, लेकिन बाद में इसको आगे बढ़ा दिया गया था। CBSE की परीक्षा, जिसमें 32 लाख विद्यार्थी है, दिल्ली रीजन को छोड़कर अन्य जगह परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। और 12वीं बिजनेस स्टडी, भूगोल, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस और गृह विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषय की अभी भी परीक्षाएँ बाकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप देख सकते हैं, 20 लाख विद्यार्थी है, जिसमें गणित और सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर 10वीं की परीक्षा बाकी है। और साथ ही साथ 12वीं में भूगोल, मनोविज्ञान सहित आदि जो विषय है उनकी भी परीक्षाएं बाकी है। अगर आप देख सकते हैं, आयोग की भर्ती परीक्षा यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भर्ती परीक्षा है, उनमें पशु चिकित्सा अधिकारी और पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय श्रेणी परीक्षा, प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा पहले 11 से 14 मई तक होनी थी, लेकिन उसको आगे यहाँ पर स्थगित कर आगे बढ़ा दिया गया है। RS और अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा परिणाम बकाया, जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2019 का साक्षात्कार बकाया, पुलिस उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती साक्षात्कार बकाया। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, MDSU की एग्जाम बाकी है, डोंगर कॉलेज बीकानेर के बाकी है और इंजीनियरिंग कॉलेज के भी यहाँ पर एग्जाम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कोरोना का पूरी तरह से यहाँ पर परीक्षाओं पर असर पड़ा है और साथ ही साथ विद्यार्थियों, लाखों विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं का इंतजार है। धन्यवाद दोस्तों।